सो गाइस, अगर आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को रीअप्लाई करना चाहते हो, लेकिन उससे पहले आप लोग को यहाँ पे बहुत सारे बातें को ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आप फिर से रीअप्लाई करते हो और अगर इस सब गलती को करते हो तो आपका चैनल फिर से मोनेटाइज नहीं होगा, फिर से आपका यूट्यूब चैनल पर रियूज कॉन्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, तभी आप लोग सीख पाएंगे एंड समझ पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे देखोगे इस चैनल पर रियूज कॉन्टेंट आया हुआ था, जिसके कारण से मोनेटाइजेशन जो यहाँ पे बंद हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे रियूज कॉन्टेंट करके यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे चैनल पर आपका क्या मतलब यहाँ पे किया था, ये जो भाई था मतलब किसी और का वीडियो यहाँ पे अपलोड कर रहा था, वीडियो जो है भाई ने किसी और का डाल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो चैनल था मोनेटाइजेशन के लिए यहाँ पे ऑफ कर दिया था यूट्यूब ने, यहाँ पे मोनेटाइजेशन पे जो रियूज कंटेंट आ गया था, चैनल पे रियूज कंटेंट आ गया था। ठीक है, तो इसे सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बातों का ध्यान रखना यह है कि आप लोग किसी का वीडियो यूज करते थे, जैसे कि किसी का दूसरे कंटेंट को डाउनलोड करके आप अपने चैनल पे अपलोड करते हो, तो इस कंडीशन क्या करना है कि आपको कोई गलती नहीं करना है। जो भी मतलब रियूज कंटेंट वाला वीडियो है, सब वीडियो को आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद अगर कोई मतलब सॉन्ग यूज किया हो या फिर कुछ भी यूज किया हो, तो आवाज का हो सकता है म्यूट कर दीजिए, या फिर सबसे बेस्ट रहेगा कि वीडियो को डिलीट कर दीजिएगा, तभी अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर से आपका यूट्यूब चैनल पर रियूज कंटेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और रियूज कंटेंट आने के बाद आपको क्या करना है, जितना भी सारा मतलब वीडियो है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, थंबनेल है, सब एडिट कर देना है, सब चेंज कर देना है, जो कि आप किसी का डुप्लीकेट किए हो, यानी कि किसी दूसरे का बंदे का यूज किए हो, थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग जो भी है सब हटा देना है, सब चेंज कर देना है, एडिट कर देना है। उसका अगर किसी का रियूज कंटेंट वीडियो लिया हो तो वीडियो को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको क्या करना है, सब कुछ करने के बाद आपको क्या करना है, रीअप्लाई पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, और रीअप्लाई का बटन अगर आपका वर्क नहीं कर रहा तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा, मेरा चैनल पे अवेलेबल है, जाकर वीडियो देख लीजिएगा कि वर्क क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रीअप्लाई पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रीअप्लाई पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे कुछ दिन के लिए आपको वेट करना है, 24 घंटा फिर 48 घंटा। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा चैनल जो है मतलब अंदर रिव्यू में चला गया है, तो यहाँ पे मैं आपको जो मतलब यहाँ पे कुछ दिन का टाइम लेगा, तो यहाँ पे मतलब आपको वेट करना है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया मतलब कि आपको यहाँ पे जो आपको है वेट करना है, यानी कि आपका चैनल पे मतलब अंदर रिव्यू में चला गया है, तो आपका यूट्यूब चैनल जो है फिर से मतलब मोनेटाइजेशन के लिए आपका चैनल जो है यहाँ पे अप्लाई कर दिया जाएगा, मतलब अपना आपका चैनल जो है वो मतलब यहाँ पे सक्सेसफुली मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई हो जाएगा, यानी कि सक्सेसफुली आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वेट करना है, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, बस इतना ही करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बैक आ जाना, क्योंकि आपको मतलब चैनल पे सिर्फ इतना ही काम है मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अगर रिव्यूज कंटेंट आया हुआ तो आपको सिर्फ री अप्लाई पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका यूट्यूब चैनल अंदर रिव्यू में चला जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और आप लोग मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे बहुत सारा फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, एडिशनल अकाउंट बनाना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तो री अप्लाई पे करने के लिए सिर्फ आपको इतना ही काम करना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। तो दोस्तों, आप यही इसी तरह से आप जो है रीअप्लाई पे क्लिक कर सकते हो, रीअप्लाई पे क्लिक करके आपका यूट्यूब चैनल जो अंदर रिव्यू में चला जाएगा, आपका यूट्यूब चैनल अगर आप मतलब सही रहेगा, आपका वीडियो किसी का यूज नहीं रखे होंगे, किसी का वीडियो अगर यूज किए होंगे और वो वीडियो आपका नहीं रहेगा, तो आपका यूट्यूब चैनल 101% मोनेटाइज हो जाएगा। और आप किसी का वीडियो यूज किए हो, किसी का मैजिक यूज किए हो, तो आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों को पता है कि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती रहती है। दोस्तों, नेक्स्ट अगला वीडियो में।